नमस्कार, मैं अश्वानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दूसरी बार शराब पीकर पकड़ाने वालों की ऐसे होगी पहचान। 23 नवंबर के बाद से विधानसभा का शीतकालीन सत्र संभावित। बीपीएससी की एलडीसी परीक्षा का डेट जारी। दाखिल खारिज में लागू होगा फीफो व्यवस्था। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैच से पहले आईसीसी ने बदले कुछ नियम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबी ने 1671 रिक्तियों के लिए जारी की भर्ती अधिसूचना। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल मिलाकर 1671 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को मैट्रिक पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की तारीख 5 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी बार शराब पीकर पकड़ाने वालों की ऐसे होगी पहचान। शराबबंदी वाले बिहार में अभी भी ना ही पीने वाले बाज आ रहे हैं और ना ही बेचने वाले। वहीं बिहार के जेलों में शराब के धंधों में संलिप्त या पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे जेलों में भी कैदियों के लिए जगह कम पड़ रही है। वहीं बिहार में बार बार शराब पीने के आरोपित अब यह बोलकर जेल जाने से नहीं बच सकेंगे कि उन्होंने पहली बार शराब पी है। पकड़े गए शराबी ने पहली बार शराब पी या दूसरी बार, इसका सत्यापन अब उसके आधार नंबर से होगा। राज्य में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग शराब पीने के अपराध में पकड़े गए सभी आरोपितों का नाम पता के साथ आधार डेटाबेस तैयार करेगी। जल्द ही राज्य के सभी जिलों में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए शराबियों के आधार सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में दूसरी बार शराब पीकर पकड़े गए तो उन महाशय की कुंडली पुलिस तुरंत निकाल लेगी। सूर्य मंदिर कंदाहा इस वजह से है बेहद खास। सूर्य मंदिर कंदाहा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा औरंगाबाद जिले के देव में स्थित सूर्य मंदिर की तरह विधिवत मान्यता दी गई है। यह मंदिर तारा स्थान महिषी के रास्ते में गोरहो घाट चौक से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में सहरसा जिले में स्थित है। सूर्य मंदिर कंदाहा में 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट स्लैब पर नक्काशी कर उभारा गया है। मंदिर के गर्भगृह द्वार पर शिलालेख हैं, जो इतिहासकारों द्वारा पुष्टि किया गया है कि यह सूर्य मंदिर कर्नाटक वंश के राजा नरसिंह देव की अवधि के दौरान बनाया गया था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मिथिला पर शासन किया था। सूर्य मंदिर कंदाहा असीम आस्था का प्रतीक है, जो हिंदू समुदाय को लोगों के लिए खास महत्व रखता है। 23 नवंबर के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र संभावित। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस महीने के चौथे सप्ताह में शुरू होने के आसार हैं। हालांकि राज्यपाल की सहमति से ही बिहार सरकार शीतकालीन सत्र की तारीखों पर फैसला करेगी। वहीं बिहार विधानसभा सचिवालय ने 23 नवंबर के बाद से संभावित शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के साथ शीतकालीन सत्र की तैयारियों एवं अन्य कई मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी, जहां बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र शुरू होने के पूर्व प्राथमिकता लेते हुए सदन के अंदर आसन व्यवस्था, फर्श के कालीन को बदलने, सदन के अंदर माइक व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग के सचिव को दिया है। गिरफ्तारी के मामले में पुलिस ने 9 महीने का कोटा 1 महीने में किया पूरा। बिहार पुलिस ने जितनी गिरफ्तारी पिछले 9 महीने में नहीं की, उतनी गिरफ्तारी बिहार में अक्टूबर माह में पर्व त्योहारों के बीच चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई है। और दरअसल बिहार पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत गठित जिलों में 92 टीम के द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष टीम के द्वारा 8,885 गिरफ्तारियां की है, जो कि पिछले 9 महीने की औसत से तकरीबन 32% ज्यादा है। दरअसल एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अक्टूबर माह में कुल 8,885 गिरफ्तारी टीम की द्वारा की गई है, जहां गंभीर अपराधों के मामलों में 6,360 गिरफ्तारी हुई है। बीपीएससी के एलडीसी परीक्षा का डेट जारी। बीपीएससी ने लोअर डिवीजन क्लर्क के एलडीसी भर्ती के लिए मेंस परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जो कि 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4:15 तक आयोजित की जाएगी। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर एग्जाम डेट और नोटिस को चेक कर
कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैसे उम्मीदवार जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में उपस्थित हुए थे और क्वालिफाई हुए थे, वही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर कसी नकेल। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे पहली से आठवीं कक्षा तक के निजी विद्यालयों पर सरकार ने नकेल कसते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं तक के स्कूल को संचालित करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि नए शैक्षणिक सत्र से अब राज्य में बिना अनुमति के आठवीं कक्षा तक के निजी विद्यालय संचालित नहीं होंगे। वहीं पहले से अनुमति प्राप्त निजी विद्यालयों को भी अपने अभिलेख शिक्षा विभाग के ई संबंधन पोर्टल यानी edu.online.bihar.gov.in पर DEO के माध्यम से अपलोड कराना जरूरी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए सोनपुर में 23 ट्रेनों का ठहराव। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से पूरे महीने का फल मिलता है। इस मौके पर लोग दूर दूर से अपने मनचाहे गंगा घाटों पर स्नान के लिए जाते हैं। इस दौरान रेल में भी खासा भीड़ देखने को मिलती है। इसके मद्देनजर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रेलवे ने सोनपुर के लिए 7 और 8 नवम्बर को 4 स्पेशल ट्रेनों का चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर एवं सोनपुर, बछवाड़ा, बड़ौनी रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों पर अस्थायी रूप से 23 गाड़ियों का 1-1 मिनट का ठहराव दिया गया है। गंडक नदी में लाखों लोग यहां स्नान करने आते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने यह सुविधा दी है। स्पेशल ट्रेनें प्रतिदिन 2 फेरा लगा। अधिक जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। दाखिल खारिज में लागू होगा फीफो व्यवस्था। CEO की मनमानी रोकने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। दरअसल ऑनलाइन दाखिल खारिज में अंचल कर्मियों की मनमानी रोकने के लिए फीफो व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। फीफो यानी कि पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था। यह नई व्यवस्था लागू करने के बाद म्यूटेशन के लिए जो आवेदन पहले आएंगे उसका निपटारा पहले करना अंचल कर्मियों की मजबूरी होगी, जिससे यह होगा कि अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटरों जैसे अंचल कर्मी के मामलों में पिक एंड चूज नहीं कर पाएंगे, यानी मनमानी नहीं कर पाएंगे। बता दें कि फीफो को पहले मॉडल के तौर पर कुछ अंचलों पर लागू किया जाएगा और फिर उससे प्राप्त इनपुट के आधार पर इसे पूरे बिहार के सभी 534 अंचलों में लागू किया जाएगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बीते दिन बैठक की है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे चंदन बिस्वास की। आज ही के दिन राजधानी पटना में 5 नवंबर 1985 को जन्मे चंदन बिस्वास एक बंगाली एडवेंचर स्पोर्ट्स कार्मिक और ट्रैवल राइटर हैं। वह सोलो ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने अपनी साहसिक यात्रा पर आधारित एवं वृत्तचित्र फिल्म चढ़ाई बेटी का निर्देशन किया है। बिस्वास ने 2010 से एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की थी। वह पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन साइकिलिंग से भी जुड़े हुए हैं। बिस्वास सोलो ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस यात्रा में उन्हें फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक उन्हें 153 दिन का समय लगा। इस यात्रा में बिस्वास ने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत के देशों में 6,249 किलोमीटर साइकिल चलाई। अमरीश द्वारा धान की भूसी से बनाई गई रंगोली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। ऐसे ही नहीं, कहते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इस बीच बिहार के एक ऐसे ही बेटे ने कुछ ऐसा किया है कि उनका कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में रहने वाले पेंटिंग आर्टिस्ट अमरीश पुरी ने एक ऐसा ही कारनामा किया है। अमरीश पुरी द्वारा धान की भूसी से बनाए गए 900 वर्ग फिट की रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। अमरीश की यह रंगोली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हवाई अड्डा के मैदान में प्रदर्शित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने कहा 10 से 11 जिलों में महामारी रोग विशेषज्ञ नहीं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आईना दिखाने वाला एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 10 से 11 जिलों में महामारी रोग विशेषज्ञ ही नहीं है। दरअसल स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए प्रत्यय अमृत ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 10 से 11 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी महामारी रोग विशेषज्ञ नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कहां कितने मानव बल की कमी है उसे देखा जा रहा है। कमी को पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही है। ANM की पोस्टिंग नीति की भी समीक्षा की जा रही है ताकि ANM को उन जगहों पर नियुक्ति किया जा सके जहां पर वे काम करने में सहज महसूस करती हैं।
प्रकाश पर्व के दूसरे दिन झांकियां देखने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बीते दिन राजगीर में गुरु नानक देव के 554वां प्रकाश वर्ष के पावन अवसर पर भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाला गया। नगर कीर्तन में करीब 15,000 से भी अधिक देश एवं विदेश से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं शोभा यात्रा में दर्जनों बैंड पार्टी शामिल हुई एवं झांकियां भी निकाली गई, जिसे देखने के लिए पूरे राजगीर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूरा राजगीर गुरु नानक जी महाराज के जयकारे से गूंज उठा। बताते चले कि चौक चौराहे पूरी तरह गुरु नानक देव जी के बैनर पोस्टर से पट गया। बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे से संबंधित मामलों पर पटना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित लोकहित याचिका पर सुनवाई की। दरअसल बीते दिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट को बताया कि कोसी नदी के बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का गठन 30 जनवरी 1987 को किया गया, लेकिन ये अब तक कागज पर ही दिख रहा है, जिसके बाद चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने महेंद्र यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। आईपीएस आदित्य कुमार को आर्थिक अपराध इकाई जल्द करेगी गिरफ्तार। जज को गुमराह करने की साजिश में शामिल आईपीएस अधिकारी फरार चल रहे, लेकिन अब जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। एडीजी ईओयू द्वारा टीम का गठन किया गया, जो कि टीम जल्द से जल्द आईपीएस आदित्य को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने यह जानकारी दी है। आर्थिक अपराध इकाई को आदित्य कुमार की तलाश है। उनकी तलाश बिहार से बाहर दूसरे राज्य में भी की जाएगी। डेंगू के तेजी से प्रसार का पता लगाने के लिए अब आईसीएमआर भी करेगा सैंपल की जांच। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अब डेंगू के लिए लिए गए सैंपलों की जांच करेगा। दरअसल राज्य के डेंगू पीड़ितों के ब्लड सैंपल एकत्र किए गए हैं। ये सैंपल आईसीएमआर की राज्य इकाई राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट RMRI पटना के माध्यम से लिया गया है। अब इसकी जांच आईसीएमआर करेगा और पता करेगा कि बिहार में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी क्यों हो रही है। वहीं RMRI पटना के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडे ने बताया कि डेंगू के राज्य में अब तक मिले मामलों में तेजी पाई गई है। इसको लेकर विभिन्न अस्पतालों से डेंगू पीड़ितों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं, उसकी जांच की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि तापमान में कमी आने के कारण डेंगू के नए मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी भी आ रही है। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए विनय का हुआ चयन। कहते हैं अगर दिल से कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो तमाम मंजिलें आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही साबित कर दिखाया बगहा के विनय साहनी ने। क्रिकेट के प्रति उनके जुनून और लगाव की वजह से विनय का चयन विजय हजारे ट्रॉफी में हुआ है। दरअसल विनय राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित हुई विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए थे, जिसके बाद उनके प्रदर्शन ने उन्हें यह मुकाम दिया है। विनय के इस चयन पर बगहा के क्रिकेट प्रेमियों सहित प्रबुद्ध लोगों में हर्ष का माहौल है। विनय को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जेल से बाहर आए आनंद मोहन। सरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन बीते दिन जेल से बाहर आ गए हैं। 15 दिन की पेरोल पर आनंद मोहन की बीते दिन दोपहर लगभग 12 बजे के करीब उनकी रिहाई हुई। वहीं बाहुबली नेता की रिहाई के दौरान उनके स्वागत के लिए पत्नी लवली आनंद और बेटा सहित बड़ी संख्या में समर्थक जेल पहुंचे थे। गौरतलब है कि उनकी रिहाई का इंतजार पिछले 2 दिन से किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी की सगाई का कार्यक्रम होना है, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने पेरोल पर रिहा करने की मांग की थी, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। उनकी पेरोल पर रिहाई बीते मंगलवार को होनी थी, लेकिन जेल में कागजात नहीं पहुंचने के कारण 2 दिन की देरी हो गई। वहीं बीते दिन जब वह जेल से बाहर आए तो उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर देखा जा रहा था। केजरीवाल ने किया ट्वीट, दिल्ली के बराबर ही बिहार में वायु प्रदूषण। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वायु प्रदूषण की तुलना बिहार के वायु प्रदूषण से कर दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि दिल्ली के बराबर ही बिहार में भी वायु प्रदूषण है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक रिपोर्ट शेयर कर दावा किया कि प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों के भी हाल बुरे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मोतिहारी, बेतिया और कटिहार जैसे शहरों का AQI दिल्ली से थोड़ा ही कम है, और आंकड़े यही कहते हैं कि बिहार के कटिहार जिले का प्रदूषण स्तर दिल्ली के करीब पहुंच गया है। कटिहार का AQI शुक्रवार की सुबह 11 बजे 402 पर पहुंच गया था, वहीं दिल्ली का AQI 450 पर पहुंच गया था।
जदयू और आरजेडी के विलय पर भड़के उमेश कुशवाहा। जदयू का राजद में विलय होने को लेकर चर्चाएं खूब तेज हैं। इसको लेकर जब जदयू से पूछा जाता है तो पार्टी के नेता भड़क जाते हैं। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सुशील मोदी के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जदयू और आरजेडी का जल्द ही विलय होने वाला है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद से ही सुशील मोदी की बेचैनी बढ़ गई है, यही वजह है कि वो महागठबंधन को लेकर लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा कि सुशील कुमार मोदी को सब कुछ पता है, महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार है और पूरे अटूट के साथ सरकार चल रही है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैच से पहले ICC ने बदले कुछ नियम। T20 वर्ल्ड कप 2022 का रोमांच चरम पर है। अभी सुपर 12 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। कुल 12 टीमों में से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और इनमें से 2 टीम फाइनल में पहुंचेगी, जिसमें न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। अब ICC ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले से पहले अपने एक नियम में बदलाव किया है। दरअसल सुपर 12 मुकाबले में कई मैच बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। इसी को देखते हुए ICC ने फैसला किया है कि सेमीफाइनल और फाइनल में कम से कम 10 ओवर होने के बाद ही मैच ना होने की परिस्थिति में डकवर्थ लुईस नियम को लागू किया जाएगा। वहीं एक बार टॉस होने के बाद टीम में कोई बदलाव नहीं होगा और मैच बारिश या किसी अन्य वजह से जहां रुकेगा रिजर्व डे में वहीं से शुरू होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास का 1870 में जन्म हुआ। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का 1917 में जन्म हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उदय राजू सिंह का 1921 में जन्म हुआ। भारतीय राजनेता तथा बम्बई नगर पालिका के संविधान के निर्माता फिरोज शाह मेहता का 1915 में निधन हुआ। ध्रुपद तथा ख्याल गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक फयाज खां का 1950 में निधन हुआ। प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक विजयदेव नारायण का 1982 में निधन हुआ। रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन का 1998 में निधन हुआ। हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा का 2008 में निधन हुआ। भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार भूपेन हजारिका का 2011 में निधन हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में न्यूयॉर्क की यात्रा की। वायरल खबर में आज बात होगी युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो यह जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ता के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 का भत्ता दे रही है। PIB ने आगे लिखा है कि यह मैसेज फर्जी है, भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है, कृपया ऐसे मैसेज फॉरवर्ड ना करें। गूगल ने माता पिता और उनके बच्चों के लिए जोड़े नए फीचर्स और सुविधाएं। गूगल असिस्टेंट के लिए एक किड्स डिक्शनरी भी जोड़ा जा रहा है, जो स्पीकर, स्मार्ट डिस्प्ले और मोबाइल उपकरणों पर आयु उपयुक्त उत्तर प्रदान करेगा। 9to5 गूगल रिपोर्ट के अनुसार नया अभिभावकीय नियंत्रण अपडेट माता पिता को यह चुनने देगा कि बच्चे किस संगीत और वीडियो सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और वे किस प्रकार देख या सुन सकते हैं। आने वाले हफ्तों में एंड्रॉयड और iOS के लिए गूगल सहायक, गूगल होम और फैमिली लिनक्स ऐप्स के माध्यम से नियंत्रण उपलब्ध होंगे। वे आपके बच्चों के खाते के लिए असिस्टेंट सेटिंग में उपलब्ध होंगे। गूगल असिस्टेंट के लिए एक किड्स डिक्शनरी जोड़ा जा रहा है, जो स्पीकर, स्मार्ट डिस्प्ले और मोबाइल उपकरणों का आयु के अनुसार उत्तर देगा। क्या अनिल सैनी की विधायकी फिर से होगी बहाल? विधानसभा की सदस्यता खो चुके अनिल सैनी ने पहली बार अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान अनिल सैनी ने बताया कि निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अनिल सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उन्हें उम्मीद है कि उनकी विधायकी एक बार फिर से वापस बहाल कर दी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान अनिल सैनी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा CBI का इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों को फंसा रही है और अपने फायदे के लिए CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज कुमार, मृत्युंजय कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, निकिता कुमारी, शंकर मुखिया, बाबूलाल मरांडी, भान प्रकाश मौर्य, वीरेंद्र कुमार, मंगिता भारती, राहुल कुमार, अशोक राम, सुशील कुमार, सुदेश्वर कुमार और सागर झा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि दाखिल खारिज में लागू होने वाले FIFO यानी पहले आओ पहले पाओ व्यवस्था लागू होने से आम लोगों को जमीन के म्यूटेशन में कितनी मदद मिल पाएगी? सरकार की यह व्यवस्था आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।